विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व के यदि बोर्डम से परेशान कोई है तो कैसे इसे पहचाने और कैसे बोर्डम के समय पर कुछ बातें याद करे, अपना अधिकार, अपनी पहचान, अपनी असली दौलत याद करे। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद रखते हुए प्रार्थना करें। होश में सराबोर खोजियों, सभी ध्यान करें। ध्यान प्रार्थना बीज बोकर सारे विश्व के लिए मुक्ति की प्रार्थना करें। हर विकार से मुक्ति की प्रार्थना, हर बीमारी से मुक्ति की प्रार्थना। शारीरिक बीमारी हो या मानसिक बीमारी हो, विश्व के सारे लोग मुक्त हो जाएं, ऐसी प्रार्थना करें। स्वयं के लिए भी प्रेयर जरूर करें कि आप जिस बीमारी से मुक्त हो चुके हैं सभी मुक्त हो जाएं, जिन बीमारियों से मुक्त हो रहे हैं सभी मुक्ति का आनंद लें। बोर्डम की बीमारी से लोग और नई नई बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं, तो यह बीमारी जड़ से इंसान के अंतर मन से निकल जाए, ऐसी प्रार्थना करो। हे परमात्मा, आपकी रचनात्मकता हर इंसान के अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। इस रचनात्मकता से, सृजनात्मकता से सभी अपने बोर्डम से मुक्त होकर विश्व कल्याण के लिए निमित्त बने। बोर्डम के साथ आने वाली बीमारियां, दुख, क्रोध समाप्त हो। यहाँ तक कि बोर्डम से लोग अपनी पहचान प्राप्त करने के लिए भगवान बुद्ध की तरह कदम उठाएं, स्वयं को पहचान लें, आत्म साक्षात्कार कर लें। मानसिक बीमारियों की मानसिक वैक्सीन, ज्ञान की वैक्सीन सबको लग जाए। सभी आनंद से भरपूर होश में सराबोर होकर एक दूसरे की मदद करें और सेवा का आनंद उठाएं, संतुष्टि पाएं, ऐसा विश्व निर्माण हो सकता है। बोर्डम को ही निमित्त बनाकर लोग नव निर्माण करके सभी के मंगल के लिए कार्य कर सकते हैं। यह कार्य शुरू हो चुका है। यह बढ़ते बढ़ते सारे विश्व पर छा रहा है। हे परमात्मा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोर्डम में इंसान स्वयं को मुर्दा महसूस करता है। ईश्वर अपना एहसास करने के लिए जिंदा शरीर, मनुष्य शरीर
निर्माण करता है। जिंदा होने का एहसास ईश्वर का एहसास है। मानसिक रोग इस एहसास को ढक देते हैं। यह मानसिक रोग मुझ में से समाप्त हो जाए और सभी को इसका लाभ मिले। ईश्वरीय गुण मेरे द्वारा प्रकट हों। जिंदा होने के एहसास से मेरे सारे निर्णय हों। हे परमात्मा, मुझे ऐसी बुद्धि दो ताकि मैं वह जीवन जीऊं जो मेरे द्वारा जिया जाना है। जिंदा होने का एहसास महसूस करके मैं प्रतिसाद दूं। मेरे हर प्रतिसाद में होश हो, समझ हो, भक्ति हो। पूरे ध्यान से होश में जीकर ईश्वरीय गुणों की अभिव्यक्ति मेरे द्वारा हो। ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा हो, ऐसी अदृश्य कृपा मुझ पर सदा बरसते आई है। कृपया इसे जारी रखो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सुख और दुख के बीच में बोर्डम भी है तो जागृति भी है। सुख दुख के पार हमें जागृति को पहचानना है, वरना बोर्डम में हम अपनी चेतना को गिराकर और निचले स्तरों पर चले जाते हैं। ऐसा विवेक सब में जागृत हो कि सुख दुख के पार परम अवस्था में हम जागृत हो जाएं। ऐसी शुभकामना रखते हुए प्रार्थना करें, जागृति के प्रकाश को पृथ्वी पर उतरते हुए देखें। सभी इसी भाव में बैठे रहें। प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। प्यारे, बोर नहीं होश में सराबोर खोजियों। बोर नहीं रहना चाहते हैं जो, वे होश से सराबोर हो जाएं, यानी भर जाएं। कोई बोर होना चाहता नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो मिला है वह अमूल्य है, अतुलनीय है। वह है मनुष्य देह। यह गुड न्यूज़ है और इसी सहारे यदि बोर्डम से परेशान कोई है तो कैसे इसे पहचाने और कैसे बोर्डम के समय पर कुछ बातें याद करे, अपना अधिकार, अपनी पहचान, अपनी असली दौलत याद करे और याद करे कि कैसे जीते जी समय का सदुपयोग किया जाए, जो पृथ्वी लक्ष्य का एक हिस्सा है।
एक बार किसी सुअर, मुर्गे और गाय के बीच में चर्चा हुई। सभी ने गाय से पूछा कि तुम्हारी कीमत हम सबसे ज्यादा क्यों है, तुम्हारी डिमांड ज्यादा क्यों है। तब गाय ने जो बताया वह महत्वपूर्ण है। गाय ने बताया कि मैं जिंदा हूं तब काम में आती हूं, तुम जब मर जाते हो तो काम में आते हो। मैं जब जिंदा हूं तब काम आती हूं। जीवन में ही गाय दूध देती है, वह उपयोगी है। गाय का मूत्र भी दवाइयों में काम में लाया जाता है। उसी तरह इंसान क्या जीवित रहते हुए ही उपयोगी है? इंसान जीवित रहते तब उपयोगी बन सकता है जब वह बोर्डम से मुक्त हुआ है। तो बोर्डम का विषय समझ रहे हैं? लगता है कि यह एक साधारण सी बात है, आजकल तो बच्चों को भी कहते हुए सुना गया है। क्या कि बहुत बोर हो रहा हूं। कई लोगों को लगता है यह बीमारी भी कहाँ है। एक सर्वेक्षण करके देखा गया, यह सर्वेक्षण किया गया, लोगों से सवाल पूछे गए कि क्या आप बोर होते हैं, और होते हैं तो दिन में कितनी बार बोर होते हैं। तो जो लोगों के जवाब थे उनसे आप कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं। 93% लोगों ने कहा कि वे बोर होते हैं, और सिर्फ 7% लोग जिन्होंने कहा वे बोर नहीं होते हैं। जो बोर होते हैं उनमें से 66% लोगों ने कहा कि वे दिन में 1 से 3 बार बोर जरूर होते हैं, और 22% लोगों ने कहा कि वे दिन में 5 से 10 बार बोर होते हैं, और 2 से 3% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा वे दिन भर ही बोर होते रहते हैं। यह है एक सर्वे कि आज यह रोग कितना प्रतिशत बढ़ गया है, जब न टीवी थी, न मोबाइल था, जब न एंटरटेनमेंट के साधन थे, तब भी लोग इतना बोर नहीं होते थे जो आज हो रहे हैं। माजरा क्या है? बोर्डम की बीमारी लगने के बाद फिर अनेक दुर्गुण आने लगते हैं। बोर्डम से बचने के लिए इंसान क्या क्या नहीं करता। इस एक बीमारी से अनेक बीमारियां प्रकट हो सकती हैं यदि इसे ठीक ढंग से नहीं देखा गया। समझ में आ गया कि यह बोर्डम हमारे जीवन में दुख, क्रोध, उत्तेजना के पीछे भागना जैसी बीमारियां लाता है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।